दोस्तों आज हम आपको बिल बैलेंसिंग दिखा रहे हैं। आगे वाले चक्कों में हमने सेंसर लगाए, तो सेंसर लगाने का तरीका देखिएगा। इसमें जो बीच में ग्रीन है इस पे रखना है हमको। अगर आगे झुकाएंगे हम थोड़ा तो रेड होगा, पीछे करेंगे तो भी रेड होगा। हमको ये सेंटर में रखना है। जब हमारा ग्रीन बटन आ जाएगा तो हम इसको लॉक कर देंगे। और इसी तरह से हम दूसरे चक्के पर भी लगाएंगे, आगे वाले चक्के में। इसमें भी इसी तरह से लगाना है। और इसके चक्के के नीचे जो हम ये रोलर रखेंगे इसको हटा देंगे। ये अंडर पिट पे रखा हुआ है। अभी पिट, ये जो अपना लिफ्ट है, लिफ्ट पे गाड़ी को चढ़ा के हम इसके रोलर को रख देंगे। उसके बाद ये सेंसर, सेंसर को सेट करेंगे। इसके जो बीच वाला जो ग्रीन बटन है इस पर हम इसको सेंसर को सेट करेंगे। उसके बाद हम डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे एक लोगो आएगा गाड़ी का। अभी गाड़ी पे जैसे हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, बटन दबाने के बाद सारी गाड़ी के मॉडल आ जाएंगे, सारी गाड़ी का नाम आ जाएगा, कौन सी कंपनी का नाम है। तो हम कंपनी का नाम चाहेंगे, हमारे पास बोलेरो का ये 2015 का मॉडल है, तो मॉडल है, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। मॉडल का जो भी कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल, टो इन आउट होगा वो हमें शो करेगा यहाँ पे। अभी जो गाड़ी लगी हुई है वो हमारा शो कर रहा है। अभी हम इसके स्टेयरिंग को दोनों तरफ घुमा करके लॉक करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेक को लॉक कर दिया है हमने, देखिएगा ये रॉड से, ये इसके साथ में ही आती है व्हील अलाइनमेंट मशीन के साथ में। इसको पहले हमने ब्रेक को लॉक किया है, उसके बाद अभी हम स्टेयरिंग को एक तरफ घुमाएंगे। पहले राइट साइड में घुमा रहे हैं। राइट साइड में घुमाने के बाद देखिएगा इसको डेस्कटॉप पे हम आपको दिखाते हैं। डेस्कटॉप पे जब हम राइट साइड में घुमाएंगे तो देखिएगा राइट साइड में घूम रहा है अभी। अभी यहाँ पे स्टॉप आ गया। स्टॉप यहाँ पे हमें हम स्टॉप कर देना है, ठीक है। अभी हम लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। लेफ्ट साइड का जैसे ये दोनों एक सीध में आएंगे यहाँ पे स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पे हमको स्टीयरिंग को लॉक कर देना। लॉक करने के बाद हमें नेक्स्ट का बटन दबाना। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो हमारा ये स्टीयरिंग लॉक हो गया है। अभी वहाँ पे शो कर रहा है, अभी हमको दिखा रहा है। इसमें कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल हम चेंज नहीं कर पाएंगे, केवल टो इन आउट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में हम बाकी और चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो केवल हम जो नीचे वाला है टो इन आउट इसको हम करेंगे, बाकी का दोनों नहीं कर सकते हैं। इसको ना ही कैमरा एंगल ना ही कैस्टर एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए इसका देखिएगा, हमने अभी इसका जो एडजस्टिंग रॉड है इसको हम नट को हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद रॉड को एडजस्ट करेंगे। अभी देखिए एडजस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ आपको दिखा रहे हैं कैसे करके कैश टू इन आउट का एंगल चेंज होता है। डेस्कटॉप थोड़ा दूर रखा हुआ है हमारी गाड़ी से, इसलिए हम आपको पास में जाके दिखा रहे हैं। अभी देखिएगा जो दोनों सेंसर, सेंसर को बीच में कोई भी चीज़ आएगी तो इस तरह का ये शो करेगा, तो बीच में नहीं आना चाहिए। अभी नीचे वाला देखिएगा, इसमें दोनों तरफ रेड है और बीच में ग्रीन है। तो हमारा जो ग्रीन का एरिया है, ये जो एरो है वो ग्रीन की एरिया में रहना चाहिए। अभी देखिएगा इसमें राइट साइड में 1.3 आ रहा है और लेफ्ट में 0.8 आ रहा है। तो जहाँ तक हो सके हम दोनों के बीच में रखेंगे। अभी देखिए 1.2 है तो इधर भी 1.2 होना चाहिए, तो हमारा एकदम एक्यूरेट आएगा। अभी देखिएगा हमने लॉक कर दिया, 1.4 करके हुआ था। अभी जो हमारा चेंज हुआ है, पहले कितना था लास्ट, अभी कितना हुआ है, चेंज हुआ है, तो इतने पे लॉक करके हम ओके कर देंगे गाड़ी को।